नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया अपनी आयकर संबंधी चर्चा में आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उसका टाइटल है, क्या आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं? यह प्रश्न सर आपके लिए इसका उत्तर जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि आपको इस बात का भान है, यानी यदि आपको इस बात की नॉलेज है कि मैं टैक्स ऑडिट के दायरे में आता हूं या नहीं आता हूं, तभी आप अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे अब टैक्स ऑडिट करानी है तो कैसे करानी है, और यदि नहीं करानी तो कल कोई केस मेरे ऊपर खुल भी जाए तो मैं आयकर अधिकारी को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकता हूं कि सर मेरे ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अनुसार एक टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरे आगे के डिस्कशन में मैं सर इसी विषय पर आपसे डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न सर मैं आपके सामने रख रहा हूं, टैक्स ऑडिट क्या है? बेसिकली सर, टैक्स ऑडिट का पर्पस दो चीजें सुनिश्चित करना है। एक, कि असेसी ने प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं या नहीं किए, और नंबर टू, असेसी की उन बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में एक टैक्स ऑडिटर से ऑडिट कराना और उस ऑडिट में विशिष्ट बिंदुओं, स्पेशल पॉइंट्स, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के लिए साथ के साथ जो इनकम टैक्स रूल्स में फॉर्म 3CD आ रहा है सर, उस 3CD के अनुसार फिलअप किए जाते हैं, जिसमें कि जो टैक्स ऑडिटर होता है सर, वो टैक्स ऑडिटर एक एक पॉइंट पर जो डिस्क्लोजर मांगा गया है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कंप्लायंस असेसी ने करी है या नहीं करी है, उसने प्रॉपर से, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं सर, जैसे असेसी ने TDS कंप्लायंस किस प्रकार से करी है, क्या उसने उन सारे सेक्शंस में जहां जहां उसको TDS की कटौती करनी थी करी या नहीं करी, क्या असेसी ने कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर के तो नहीं किए खर्चों के संदर्भ में, असेसी ने जो भी लोन डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम्स में डील किया है वो लॉ की विनिर्दिष्ट सीमा के अंदर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो इस प्रकार से सर बहुत सारे कंप्लायंस हैं जो कि टैक्स ऑडिटर के थ्रू भारत सरकार असेसी से चाहती है, और टैक्स ऑडिटर से ये रिपोर्ट चाहती है कि वो उन पर बोले कि असेसी ने उन बिंदुओं की अनुपालना करी या नहीं करी। तो बिकॉज सर, एक अगर आप इस कॉन्सेप्ट के रूप में समझें कि सरकार के पास हर केस में असेसमेंट करने का समय नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है आज की डेट में, तो सरकार सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि टैक्स ऑडिटर भी होता है उसके थ्रू वो कंप्लायंस की रिपोर्ट लेती है कि हाँ असेसी ने यानी करदाता ने उन सारे बिंदुओं की जो कि आवश्यक थे उनकी अनुपालना करी है, और यदि नहीं करी है तो फिर कहाँ कहाँ उसने नॉन कंप्लायंस किया है वो भी टैक्स ऑडिट के अंदर पता चलाने का किया गया प्रयास है सर। तो अब सर मेरा अगला प्रश्न है आपके सामने, टैक्स ऑडिट किस करदाता के लिए अनिवार्य है? क्या केवल एक कंपनी करदाता के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है? क्या पार्टनरशिप फॉर्म्स पर भी टैक्स ऑडिट लागू होती है? क्या LLPs, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म यानी एक इंडिविजुअल, और EOP BY के ऊपर भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है? तो सर इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से समझिएगा कि टैक्स ऑडिट उस करदाता के लिए निश्चित रूप से चाहिए यानी उसे करवानी ही होगी जिसका टोटल टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स या टोटल सेल एक्सीड कर रही है सर्टेन मॉनेटरी लिमिट से, जो सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखी है। यदि आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या टोटल सेल दिए गए लिमिट से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी है सर, नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सर अगला प्रश्न आया सर, टैक्स ऑडिट हेतु टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या टोटल सेल्स की लिमिट क्या है? तो मैंने सर आपके सामने दो कैटेगरीज रखी, व्यवसायी एवं पेशेवर व्यक्ति, यानी आर यू अ बिजनेसमैन और यू आर अ प्रोफेशनल। इफ यू आर अ बिजनेसमैन देन बाय डिफॉल्ट थंब रूल इज कि जैसे ही आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या टोटल सेल 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो आपको सर टैक्स ऑडिट करानी है, और यदि आप एक प्रोफेशनल पर्सन है जैसे कोई अकाउंटेंट, कोई लॉयर, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सन, फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इस तरीके के व्यक्तियों के लिए सर जो कि प्रोफेशनल कहलाते हैं, उनके लिए ग्रॉस रिसीट का लेवल है 50 लाख प्लस, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए ग्रॉस रिसीट का लेवल है 1 करोड़। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अनूप जी, आपने तो 1 2 करोड़ रुपए की राशि भी यहां लिखी है, ये क्यों लिख दिया आपने यहां पर? तो सर इसका उत्तर मैं यह देना चाहूंगा कि
कि कुछ ऐसे करदाता होते हैं सर, कुछ ऐसे असेसीज होते हैं जो सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर अपनी इनकम ऑफर करते हैं। किस प्रकार से ऑफर करते हैं सर? वो एक प्रिजम्प्टिव इनकम हम लोग उसे बोलते हैं सर, यानी वो अपने टर्नओवर का 8% या 6% एज द केस में भी 8% तब ऑफर करते हैं सर जब उन्होंने कैश ट्रांजेक्शन किए, और 6% उन्हें मिनिमम तब ऑफर करना है जब उन्होंने बैंकिंग से अपनी सेल्स के ट्रांजेक्शन किए। तो यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में चल रहा है तो सर उसके ग्रॉस रिसीट का लेवल 2 करोड़ प्लस है टैक्स ऑडिट कराने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ रिटेलर नियर बाई यू, आपके आसपास कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है रिटेल ट्रेड का काम करता है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है और वो सेक्शन 44 एडी में 10% का मार्जिन ऑफर करता है, ऐसे व्यक्ति को सर ऑडिट कराना नहीं है। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जिसका कमीशन का काम है और उसको इस साल में 1.25 करोड़ की कमीशन आई, अब जिस व्यक्ति का कमीशन का काम है सर उसका सेक्शन 44 एडी में कोई लेना देना नहीं है, तो उसका क्योंकि ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ प्लस हो गया है सर, तो ऐसे व्यक्ति को सर ऑडिट करानी पड़ेगी। तो थंब रूल तो क्या है सर, 1 करोड़ प्लस व्यवसायी के केस में और प्रोफेशनल पर्सन के केस में, पेशेवर व्यक्ति के केस में 50 लाख प्लस का टर्नओवर ग्रॉस रिसीट या टोटल से। लेकिन जो असेसी सर 44 एडी सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं उनका टर्नओवर यदि 2 करोड़ प्लस जाएगा तो उन्हें ऑडिट करानी है, नहीं तो सर उन्हें ऑडिट नहीं करानी। तो अब तक सर आपने ये तय कर लिया होगा कि क्या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, और यदि आपने तय कर लिया कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो इस टैक्स ऑडिट की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस क्या है, वो मैं आपके सामने यहां पर रखने की कोशिश करता हूं। निर्धारित करिए क्या आप पर टैक्स ऑडिट लागू होती है अथवा नहीं, यदि लागू होती है तो आगे क्या स्टेप है अगला, एक टैक्स ऑडिटर का चयन करिए। यू हैव टू फाइंड आउट अ टैक्स ऑडिटर। नाउ हु कैन बी अ टैक्स ऑडिटर? इट इज ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जो सीए की प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके टैक्स ऑडिटर हो सकते हैं। तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चुनना है जो आपके व्यवसाय की टैक्स ऑडिट कर सके। टैक्स ऑडिटर द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं दीजिए। अब आपका अगला काम है सर कि टैक्स ऑडिटर आपसे सूचनाएं मांगेगा। क्या सूचनाएं मांगेगा सर? ही विल आस्क यू टू गिव हिज योर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट। He will ask you कि आपने TDS compliance किस प्रकार से करी, आपने लोन और डिपॉजिट जो लिए या दिए वो किस प्रकार से आपने किया, आपने एम्प्लॉय ड्यूज का भुगतान किस प्रकार से किया, आपने GST संबंधी compliance किस प्रकार से करी, स्टेचुटरी ड्यूज का क्या पर्टिकुलर भुगतान किया, आपके पिछले साल का टर्नओवर का क्या लेवल था, इस साल टर्नओवर कितना है, पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना था, इस साल ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है, ये कुछ मोटा मोटी बिंदु मैंने आपके सामने रखे सर, ऐसी सूचनाएं सर। और साथ ही जब कोई टैक्स ऑडिटर आएगा तो आपको एक पूरी लिस्ट देगा जिसके थ्रू आपको वो सूचनाएं जो उसे चाहिए एक ऑडिट करने के लिए वो मिलेंगी। टैक्स ऑडिटर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट अपलोड किए जाने पर उसे अपने लॉगिन से एक्सेप्ट करिए। ये एक टेक्निकल बात है सर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टैक्स ऑडिटर का अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर एक लॉगिन होता है जिससे वो जो ऑडिट रिपोर्ट आपकी तैयार करेगा वो टैक्स ऑडिटर वहां पर उस ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करेगा। आपको अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाकर के उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है। यदि आपको लगता है सर मुझे उस टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करनी तो आप एक्सेप्ट नहीं भी करें, लेकिन सर जो प्रक्रिया है वो यही रहती है कि टैक्स ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करता है और क्लाइंट को उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है, और इस प्रकार से सर आपका टैक्स ऑडिट का प्रोसेस पूरा होता है। अब यहां पर सर मैं आपके साथ एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो मुझसे मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं कभी कभी मजाक में ही सही, कि यदि टैक्स ऑडिट नहीं कराई हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं। और मैं इसका आपके सामने इंटरप्रिटेशन रखता हूं सर जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271B से निकल करके आ रहा है। बड़ा सरल है सर ये बात। धारा 271B के अंतर्गत टैक्स ऑडिट नहीं कराने पर आपके टर्नओवर ग्रॉस रिसीट अथवा टोटल सेल्स के 0.5% या 1.5 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम हो की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो सर ये बात अब किसी भी व्यक्ति को टैक्स ऑडिट कराने के लिए प्रेरित कर सकती है कि उसको टैक्स ऑडिट करानी या नहीं करानी। हाँ मैं कह सकता हूं मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए की लग सकती है। तो आपको ये डिसाइड करना है, नंबर वन क्या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लागू है या नहीं। यदि टैक्स ऑडिट लागू है तो आप जरूर अपनी टैक्स ऑडिट कराएं। अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं कराएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको जैसा मैंने यहां पर डिस्कस किया वो पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है।
अब जैसा कि सर मैं अपनी ज्यादातर वीडियोस में ये फॉलो करता हूं कि लास्ट में आपके साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करता हूं, जो मेरी इस वीडियो का सार भी है, क्या टैक्स ऑडिट करना अनिवार्य है? सर, यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या 50 लाख, जो लिमिट मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उसको एक्सीड कर रहा है, तो आपको निश्चित रूप से टैक्स ऑडिट करानी है, नहीं तो सर पेनल कॉन्सिक्वेंसेज एसएससी को फेस करने पड़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन पर टैक्स ऑडिट कब लागू होती है? सर, इस प्रश्न पर सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं यहां पर बड़ी स्पष्ट राय आपको दे रहा हूं, जो हमारे सी इंस्टीट्यूट ने, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, उसने भी अपने गाइडेंस नोट में दिया है कि एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन नंबर 1 आर नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, नंबर 2 दे आर जनरली ट्रीटेड टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन, नंबर 3 एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन में सर आपका प्रॉफिट और लॉस जोड़ करके टर्नओवर निकाला जाता है। मैं इसे उदाहरण के रूप में ऐसा कह सकता हूं कि मैंने एक फ्यूचर मार्केट ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपए कमाए, दूसरे फ्यूचर मार्केट ट्रांजेक्शन में 20,000 गवाए, तो मेरा टोटल टर्नओवर सर एब्सोल्यूट टर्म में 30,000 है। ऐसा करते करते आपने सारे टर्नओवर की कैलकुलेशन यदि करी एब्सोल्यूट टर्म में, और 1 करोड़ प्लस का आपका ट्रांजेक्शन का टर्नओवर आ रहा है, तब तो आपको एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन की ऑडिट करानी है, नहीं तो ऑडिट नहीं करानी। सर, क्या एक बार टैक्स ऑडिट कर लेने से हर वर्ष टैक्स ऑडिट करानी होगी? ऐसा कोई जरूर नहीं है सर। हर साल का आपका टर्नओवर देखा जाएगा, जिस जिस साल में आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट प्रिस्क्राइब लिमिट 1 करोड़ 50 लाख से एक्सीड होगी, उस साल में ही आपको टैक्स ऑडिट करानी है, नहीं तो टैक्स ऑडिट नहीं करानी। क्या टैक्स ऑडिट के टर्नओवर की गणना में जीएसटी को जोड़ना है या नहीं? तो यहां पर सर मैं सरल रूप में बात को ऐसा रखूंगा, मान लीजिए मेरा 98 लाख रुपए का टर्नओवर है, यानी सेल है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, परंतु मैंने 4 लाख रुपए का जीएसटी भी कलेक्ट किया मार्केट से, तो सर 98 लाख प्लस 4 लाख यदि आप देखते हैं, तो मेरा टोटल सेल्स 1 करोड़ 2 लाख चली जाती है, बाय डिफॉल्ट लगता है ऑडिट होगी। लेकिन सर ज्यादातर लोग जीएसटी को अलग से रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी के रूप में, तो ऐसी परिस्थिति में सर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न है सर, टैक्स ऑडिट की देय तिथि क्या होती है? सर, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर होती है सर। हाँ, यदि सरकार आवश्यकता पड़े तो इस ड्यू डेट को बढ़ा सकती है, परंतु आप बाय डिफॉल्ट थंब रूल यही रखें सर कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर है। अंत में सर मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, और मेरे चैनल को प्रोत्साहित करते रहने के लिए, इसे सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को आगे शेयर करने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। आप भी सर मुझे लिख सकते हैं यदि कोई ऐसा विषय आपको लगता है जो जनता जनार्दन से जुड़ा है और उस पर इनकम टैक्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सर उन विषयों पर वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।